आज मैं आप लोगों के ले लिए ले लेकर आई हूँ हरियाली चिकन टिक्का की रेसिपी जिसे आप मात्र पंद्रह मिनट में बना के तैयार कर लेंगे और इसे बनाने के लिए ना ही आपको बहुत ज़्यादा तेल की जरूरत है और ना ही मसाले की तो चलते हैं आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें हरियाली चिकन टिक्का बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है चिकन को मैंने धो के अच्छे से साफ कर लिया है तो इसे हम एक तरफ रख देते हैं और इसके लिए तैयार करते हैं एक मसाला इस टिक्का में ना पुदीने का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पे मैंने आधा कटोरी ताज़ा एकदम फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं इसी के साथ आपको चाहिए होगा डेढ़ इंच अदरक का टुकड़ा अदरक के टुकड़े को छोटे पीसेस में काट लें ताकि ये मिक्सी में आसानी से पिस जाए जितना हमने पुदीना लिया था उसका दुगना हम इसमें धनिया लेंगे तो एक कटोरी यहाँ पे मैंने ताज़ा हरी धनिया लिया है धनिया का डंठल हम नहीं हटाएंगे क्योंकि डंठल में धनिया की बहुत अच्छी खुशबू आती है दस से बारह आपको यहाँ पे चाहिए होगा छिली हुई लहसुन की कलियाँ मिर्ची इसमें आप अपने तीखे के अनुसार डाल सकते हैं तो यहाँ पे मैंने छः हरी मिर्ची का इस्तेमाल किया है इसमें हम लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मिर्ची यहाँ पर आप अपने तीखे के अनुसार डालें इन सभी चीज़ों को जार में ट्रांसफ़र कर लें उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें तो ये हमारा धनिया लहसुन मिर्ची अदरक और पुदीने का जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है और ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला नहीं है बस थोड़ा सा पानी डाल के ही आपको इसे पीसना है क्योंकि ये जो चटनी है ना इस चटनी को हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अब आपको यहाँ पर डालना है स्वाद के अनुसार नमक तो मैं यहाँ पर एक चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाल रही हूँ अब आप इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट डाल दीजिए हमने जो ये पेस्ट बनाया है ना इसकी वजह से चिकन टिक्का का जो स्वाद है ना बहुत लाजवाब आता है अच्छा इस चिकन टिक्का में ना हम थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करेंगे दही डालने से जो ये टिक्का है ना बहुत ही अच्छे सॉफ्ट बनके तैयार होंगे तो यहाँ पे आपको पूरा तीन चम्मच दही डालना है ध्यान रखिएगा कि दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए ताज़ा दही का इस्तेमाल करिएगा तो बस हो गई तैयारी इससे ज़्यादा आपको इसमें और कुछ नहीं डालना है तो सभी चीज़ों को यहाँ पे आप अच्छे से मिक्स कर लें और हो सके तो चिकन टिक्का बनाने के लिए पीसेस छोटे छोटे रखिएगा ज़्यादा बड़े पीसेस रखेंगे ना तो उसे पकने में ज़्यादा समय लग जाएगा और पीसेस उतने अच्छे सॉफ़्ट नहीं होंगे नॉर्मली जब हम टिक्का उक्का बनाते हैं ना तो छोटे छोटे पीसेस का इस्तेमाल करते हैं अब आप क्या करें कि इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें अगर आपके पास समय कम है और आप इसे फटाफट से बनाना चाहते हैं तो आप इसे डीप फ्रीजर में आधा घंटे के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए चिकन यहाँ पे हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है मैरिनेट करने की वजह से ना चिकन के जो पीसेस हैं वो बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं और जो मसाले वगैरह का फ्लेवर होता है ना वो चिकन के अंदर तक अच्छे से चला जाता है अब आप पैन में दो से तीन बड़े चम्मच तेल डाल के उसे अच्छे से गर्म कर लें चिकन टिक्का में आपको बहुत ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं होती है बहुत कम तेल में ये बनके तैयार हो जाता है चाहे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हैं तो तेल को पैन में डाल के चारों तरफ अच्छे से फैला लें चाहे तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए एक चम्मच आप यहाँ पर कटा हुआ लहसुन डाल दें और तेल में इसे हल्का सा पका लें लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लहसुन जरूर डालें तो जैसे ही लहसुन के ऊपर हल्का सा सुनहरा कलर आना शुरू हो जाए आप यहाँ पे मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दें गैस का आंच बिल्कुल धीमा कर दें जब भी समय आपके पास कम हो और आपको चिकन की बहुत ही टेस्टी चटपटी रेसिपी खानी हो तो आप इस हरियाली चिकन टिक्का को ट्राई कीजिएगा मात्र पंद्रह मिनट में बन तैयार हो जाती है और ना ही इसमें कोई झंझट है सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो बस अब आप इसे ढक के बिल्कुल धीमी आंच पे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दें तो अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको चिकन के अंदर से ढेर सारा पानी निकला हुआ दिखाई देगा तो टेंशन ना लें इसी पानी के साथ ये पकता है और इसके जो पीसेस हैं वो अच्छे सॉफ्ट होते हैं तो अब आप क्या करें गैस का आँच मीडियम कर दें और इसे ढक के पाँच मिनट और पका लें पाँच मिनट बाद जब आप इसे खोल के चेक करेंगे ना तो आप देखेंगे कि जितने मसाले थे वो चिकन टिक्का के ऊपर अच्छे से कोट हो गए हैं ये देखिए अभी आपको एक काम और करना है गैस कहाँ यहाँ पे आप तेज़ कर दें और एक मिनट इसे और पका लें ताकि इसके ऊपर एक हल्का सा सुनहरा कलर भी आ जाए देखिए पीसेस अच्छे सॉफ़्ट हुए हैं कि नहीं इसके लिए आप क्या करें कि इसे तोड़ के चेक कर लें तो ये देखिए ये अच्छे से सॉफ़्ट हो गया है अगर पीसेस अच्छे से सॉफ्ट नहीं हुए हैं तो आप इसे ढक के थोड़ी देर और पका लें तो गैस बंद कर देंगे और चलते हैं इसे फटाफट से सर्व करने के लिए चिकन टिक्का को आज हम बिल्कुल मार्केट की तरह सर्व करेंगे मार्केट में जब इस चिकन टिक्का को सर्व करते हैं ना तो स्पेशली इसके साथ प्याज होता है और टिक्का के साथ वो स्पेशली धनिया की दही वाली चटनी सर्व करते हैं और अब बारी आती है गर्मा गर्म चिकन टिक्का की इस चिकन टिक्का को देख के आ रहा है ना आपके मुंह में भी पानी भाई मुझसे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है लेकिन सर्व करने से पहले आपको क्या करना है ना कि थोड़ा सा इसके ऊपर नींबू का रस डालना है तो सोच क्या रहे हैं? चलते हैं फटाफट पड़ से इस हरियाली चिकन टिक्का का आनंद उठाने रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर इसे बनाने में कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं रेसिपी को और भी ज़्यादा लोग साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इस स्वाद का आनंद उठा सकें मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में तब तक के लिए बाय बाय